कंफर्टेबल फैमिली एसयूवी, रिच इन फीचर्स एंड ऑफरोडिंग कैपेबिलिटीज, ये सी चीजें हैं जो यूजुअली साथ नहीं मिलती, स्पेशली अंडर द रुपीज 35 लाख मार्क। बट एक एसयूवी है जो ये यूनिक पैकेज ऑफर करती है, द जीप कंपस। इसमें दोनों ही 4x4 एंड 4x2 ऑप्शंस मिलते हैं विद अ पावरफुल डीजल इंजन एंड अ स्मूथ 9-speed ऑटोमैटिक। ये कहां डिलीवर करती है, कहां नहीं, चलिए पता लगाते हैं इस डिटेल रोड टेस्ट रिव्यू में। एक प्रीमियम एसयूवी के हिसाब से जीप कंपस की चाबी थोड़ी चीप फील होती है। इसमें 3 नॉर्मल बटन्स के अलावा आपको 3 एम्प्टी स्लॉट्स मिल जाते हैं जो वियर्ड लगते हैं, एज इफ आप कुछ मिस आउट कर रहे हैं, इवन दो ये टॉप स्पेक मॉडल है। इसमें दोनों ही ड्राइवर एंड पैसेंजर साइड रिक्वेस्ट सेंसर के साथ एक प्रॉक्सिमिटी सेंसर मिल जाता है, तो बिना चाबी निकाले या सेंसर को प्रेस करें ये गाड़ी अप्रोच करने पे अनलॉक हो जाती है। आप इसके कनेक्टेड कार टेक को यूज़ करके भी गाड़ी को रिमोटली लॉक अनलॉक कर सकते हैं। देखा जाए तो 2021 से जीप कंपस के डिज़ाइन में कोई मेजर डिफरेंस नहीं आया है। 2024 के लिए जीप ने अपने सिग्नेचर ग्रिल को स्लाइटली ट्वीक किया था एंड साइड में नए स्टाइलिश लुकिंग 18-inch अलॉय व्हील्स ऐड करे थे। ओवरऑल डिज़ाइन अभी भी स्क्वायरिश है, अभी भी मस्कुलर है एंड सामने से तो ये प्रॉपरली मीन लगती है, लाइक इट मीन्स बिजनेस। बट इसकी टेल लाइट्स का डिज़ाइन अब मेरी नज़रों में थोड़ा आउटडेटेड हो गया है। ये वो ही सेम स्टाइलिंग है जो 2017 वाली कंपस में देखने को मिलती थी एंड मेरे हिसाब से यहाँ पे थोड़े रिविजन्स ज़रूर होने चाहिए थे, मे बी न्यू LED एलिमेंट्स और अ कनेक्टेड टेल लाइट। डू यू एग्री विद मी, बताइए मेरे को कमेंट्स में। दैट बींग सेड, इसके अपराइट पैनल्स एंड ओवरऑल रगेड स्टाइलिंग एलिमेंट्स इसको अभी भी एक डोमिनेटिंग रोड प्रेजेंस देते हैं। ओवरऑल डिज़ाइन ज़्यादा अल्यूरिंग नहीं है, ज़्यादा इन योर फेस नहीं है, बट इसकी स्टाइलिंग विल स्टिल बी रेलिवेंट इवन आफ्टर 5-10 years। अब कंपस की बूट को एक्सेस करना इजी है क्योंकि इसकी टेलगेट पावर्ड है। अब सेगमेंट के कंपैरिजन में बात करूं तो यहां पे आपको ढेर सारी स्पेस तो नहीं मिलती, इट्स जस्ट अबाउट एडिक्वेट। इसमें पार्सल ट्रे को थोड़ा एडजस्ट करके एक पूरा सूटकेस का सेट आ जाएगा विद स्पेस फॉर सम डफल बैग्स एज वेल। तो ये गाड़ी आपकी फैमिली का वीकेंड का सामान तो आराम से पैक कर लेगी। आप चाहें तो रियर सीट्स को फोल्ड कर सकते हैं बट ये सीट्स अपने बेस के साथ फ्लश फिट नहीं होती, तो लगेज को अंदर पुश करने में थोड़ी मेहनत एंड थोड़ी एडिशनल हेल्प लग सकती है। यहाँ कंपस से कोई शिकायत नहीं है, ये सिर्फ बाहर से नहीं बट अंदर से भी सॉलिड लगती है। इसका कैबिन सिर्फ देखने में नहीं बट फील एंड टच करने में भी प्रीमियम लगता है और इस टॉप स्पेक वेरिएंट में इसको एक ऑल ब्लैक थीम मिलता है जो कि देखने में स्पोर्टी लगता है। श्योर, यहाँ पे अगर लाइट कलर्स का इस्तेमाल किया जाता तो वो कुछ लोग को शायद ज़्यादा पसंद आता और इसके कैबिन को एक एरी फील भी देता, बट मेरे हिसाब से इसका ऑल ब्लैक थीम इस गाड़ी के कैरेक्टर को सूट करता है। इधर कंफर्ट की बात करें तो इसकी लेदर सीट्स का सपोर्ट अच्छा है एंड इनकी कुशनिंग थोड़ी हार्ड साइड पे है, सो दे डू फील कंफर्टेबल ऑन लॉन्ग डिस्टेंस जर्नीज। कंफर्ट को और बेहतर बनाती है इसकी 8-way पावर ड्राइवर एंड को ड्राइवर सीट, तो लेवल्स ऑफ एडजस्टमेंट की कमी नहीं है एंड आइडियल ड्राइविंग पोजीशन ढूंढना भी आसान है। बट हाँ, इस गाड़ी की विजिबिलिटी इज इन द बेस्ट बिकॉज इसका E-pillar बहुत चौड़ा है, तो यहाँ पे एक ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट हो जाता है जिसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। रियर से भी वी आउट द विंडो इज अ बिट रिस्ट्रिक्टेड एंड चलिए उधर के एक्सपीरियंस की बात वहीं से करते हैं। अब कंपस की सेकेंड रो वैसे तो कंफर्टेबल है बट यहाँ पे सेगमेंट के कंपैरिजन में आपको सेम लेवल ऑफ स्पेस नहीं मिलती। इनफैक्ट इस एक सेगमेंट नीचे एसयूवी जैसे द क्रेटा एंड सेल्टोस से भी कुछ ज्यादा खास नहीं है। 3 एडल्ट्स यहाँ शोल्डर टू शोल्डर नहीं बैठ पाएंगे। सिटी जर्नीज के लिए इट इज स्टिल ओके बट लॉन्गर जर्नीज के लिए ये अनकंफर्टेबल रहेंगी। बीच वाले पैसेंजर्स के लिए मामला और अनकंफर्टेबल बना देती है इसकी सेंट्रल टनल जो फुट एंड नी रूम रिस्ट्रिक्ट कर देता है। सीट के बेस का डिज़ाइन ऐसा है कि आपको अंडर थर सपोर्ट अच्छा मिलेगा, नी रूम भी एडिक्वेट है, बट हाँ अगर फ्रंट सीट अपनी लोएस्ट पोजिशन पर सेट हो तो फुट रूम थोड़ा रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, हेड रूम भी रिस्ट्रिक्टेड है एंड लंबे पैसेंजर्स यहाँ ज़्यादा कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे। तो कंपस का सेकेंड रो एक्सपीरियंस इज इन द बेस्ट, स्पेशली अगर आप इस गाड़ी को एज अ शॉफर ड्रिवन कार कंसिडर कर रहे हो। यहाँ पे वो सेम सेंस ऑफ स्पेस नहीं मिलती एंड इवन दो ओपनिंग अप द सनरूफ डज मेक इट फील मोर एरी, इस गाड़ी के साइज और प्राइस के हिसाब से ये आपको वो स्पेस ऑफर नहीं करती जो आप शायद इस SUV से एक्सपेक्ट कर रहे हो।
द जीप कंपस इज प्रैक्टिकल इनफ फॉर योर इंटायर फैमिली। वाटर बॉटल स्टोर करने के लिए कंपस में चारों ही दरवाजों पर 1 लीटर पॉकेट्स मिलती हैं, जिसके पीछे आप छोटा मोटा सामान भी स्टोर कर सकते हैं। फोन के लिए वायरलेस चार्जिंग वाला एरिया तो है ही, एंड इट कैन ऑल्सो डबल अप टू स्टोर स्टफ लाइक वॉलेट व्हेन नॉट इन यूज। इसके सेंट्रल कंसोल में 2 बड़े कप होल्डर्स भी मिल जाते हैं, एंड यहाँ आपको की के लिए एक डेडिकेटेड स्लॉट भी दिया गया है। नाइस। उसके ऊपर सेंट्रल आर्मरेस्ट के नीचे एक डीप स्टोरेज पॉकेट मिल जाती है। इसका ग्लव बॉक्स का साइज भी एडिक्वेट है, एंड फ्रंट पैसेंजर्स के लिए चार्जिंग ऑप्शंस के लिए आपको एक टाइप सी एंड एक टाइप ए पोर्ट मिल जाता है। रियर पैसेंजर्स को एसी वेंट्स के नीचे एक टाइप ए पोर्ट और एक 12 वोल्ट सॉकेट मिलता है, एंड स्टोरेज के लिए फ्रंट सीट्स के पीछे छोटी डोर पॉकेट्स भी मिल जाती हैं। सेंट्रल आर्मरेस्ट में 2 कप होल्डर्स भी मौजूद हैं। इस टॉप स्पेक कंपस में फीचर्स की कमी नहीं है, और उन फीचर्स को यूज करने का एक्सपीरियंस भी प्रीमियम है। इसका 10.1 इंच टचस्क्रीन सिस्टम क्रिस्प एंड रिस्पॉन्सिव है। इसमें वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले मिल जाता है, और स्क्रीन के नीचे मेजर मेन्यूज के बीच जंप करने के लिए डेडिकेटेड आइकन्स भी मिल जाते हैं। आई ऑल्सो लव द फैक्ट दैट म्यूजिक को कंट्रोल करने के लिए स्टेयरिंग के पीछे बटन्स मिलते हैं, जो यूज़ करने में ईजी एंड इंट्यूटिव फील होते हैं। जितना इम्प्रेसिव ये मेन स्क्रीन है, उससे ज़्यादा इम्प्रेसिव इसका डिजिटल ड्राइवर्स डिस्प्ले है। इसमें ढेर सारे कस्टमाइजेशन ऑप्शन मिलते हैं, तो आप अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से इसका लेआउट सेट कर सकते हैं, बी इट एनालॉग और डिजिटल। ये ढेर सारे इन्फॉर्मेशन रिले करता है, एंड इसके ग्राफिक्स भी क्रिस्प हैं। इसका साउंड सिस्टम भी इम्प्रेसिव है, एंड हायर वॉल्यूम पे भी अपनी क्लैरिटी मेंटेन करके रखता है। बट हाँ, 1-2 चीज़ें हैं जो ये गाड़ी बेहतर कर सकती थी। इसकी वेंटिलेटेड सीट्स फॉर एग्जांपल। अब इनका फंक्शनैलिटी तो ठीक है, बट इनके लिए कोई डेडिकेटेड बटन नहीं दिया गया है, तो आपको इनको कंट्रोल करने के लिए स्क्रीन ऑपरेट करना पड़ता है, विच कैन बी डिस्ट्रैक्टिंग वाइल ड्राइविंग। दूसरा, इसके 360 डिग्री कैमरा का इंटीग्रेशन इज इन द बेस्ट। इनका एग्जीक्यूशन और इसके ग्राफिक्स थोड़े बेहतर ज़रूर होने चाहिए थे। डिस्पाइट अ हेल्दी लिस्ट ऑफ फीचर्स, अगर हमें निट पिक करना होता तो जीप कंपस में 3-4 फीचर्स और दिए जा सकते थे, जैसे कि एम्बिएंट लाइटिंग, हीटेड सीट्स, 1-टच अप एंड डाउन फॉर ऑल विंडोज, एंड अ फ्यू एडास फीचर्स। जस्ट लाइक इट्स फीचर्स लिस्ट, जीप कंपस में ढेर सारे सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं। स्टैंडर्ड लिस्ट इंक्लूड्स ड्यूल एयरबैग्स, आइसोफिक्स माउंट्स, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, एंड ढेर सारे इलेक्ट्रॉनिक एड्स। इसके टॉप स्पेक वेरिएंट्स में तो 6 एयरबैग्स एंड 360 डिग्री कैमरा भी ऐड हो जाता है। अब भारत एनकैप ने इस गाड़ी को अभी तक क्रैश टेस्ट तो नहीं किया है, बट यूरो एनकैप ने इसको 2017 में क्रैश टेस्ट किया था, और उसको एक फुल 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग दी थी। द कंपस गेट्स द सेम 170 हॉर्स पावर 2 लीटर डीजल इंजन एज इट यूज टू बिफोर। ये वही सेम इंजन है जो टाटा हैरियर एंड एमजी हेक्टर जैसी गाड़ियों में मिलता है, बट उनमें इसका 9-स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन नहीं मिलता, जो इस गाड़ी के ड्राइव एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने में एक मेजर रोल प्ले करता है। अभी इंजन स्टिल इज इन द मोस्ट रिफाइंड। गाड़ी स्टार्ट करने पर आपको थोड़ी वाइब्रेशन, थोड़ी नॉइस कैबिन के अंदर ज़रूर आती है, और इसका इंजन एक बार आइडियल टेम्परेचर पर भी आ जाए तब भी आपको थोड़ी बहुत वाइब्रेशन महसूस होती रहती है। बट ये नॉइज एंड वाइब्रेशन आपको ज़्यादा परेशान नहीं करेगी, एंड थोड़े टाइम बाद आपको इसकी आदत हो जाएगी। बट द गुड न्यूज इज दैट इसके डीजल इंजन की परफॉर्मेंस दमदार है, और इसकी गियरबॉक्स की ट्यूनिंग रिलैक्स ड्राइविंग के वक्त अच्छी है, तो इस इंजन से आपको पावर की कमी कभी भी महसूस नहीं होगी, और ये हाईवे स्पीड आराम से एफर्टलेसली पिक कर लेता है। बट हाँ, जब आप एक क्विक एक्सेलरेशन मांगे फॉर अ क्विक ओवरटेक, तो इसका गियरबॉक्स रिएक्ट करने में थोड़ा टाइम ज़रूर लेता है, एंड स्लो सिटी स्पीड में ये थोड़ा कंफ्यूज महसूस होता है, गियर चेंज करते रहता है इन व्हेन आपके थ्रॉटल इनपुट में ज़्यादा डिफरेंस ना आया हो। बट यहाँ अच्छी बात ये है कि इसका ऑपरेशन स्मूथ है, तो आपको कभी भी झटके महसूस नहीं होते हैं। आप चाहें तो इसको मैनुअली गियर लीवर के थ्रू भी कंट्रोल कर सकते हैं, बट इसको ऑटोमेटिक मोड में ही छोड़ देना बेहतर है, क्योंकि इसकी ओवरऑल ट्यूनिंग अच्छी है। फ्यूल एफिशिएंसी की मैं बात करूं तो हमारा इस गाड़ी के साथ यूसेज थोड़ा मिक्स रहा है, बट तब भी इस गाड़ी ने हमें 10 किलोमीटर पर लीटर से ज़्यादा का एवरेज दिया है। रिलैक्स ड्राइविंग के वक्त एंड हाईवे ड्राइविंग पे आप इससे एक बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जीप कंपस का सस्पेंशन हमेशा से ही थोड़ा स्टिफर साइड पे रहा है, तो शार्प बम्प्स या स्पीड ब्रेकर्स पे अगर आप अपनी स्पीड स्लो नहीं करेंगे तो इसका सस्पेंशन थोड़ी आवाज़ ज़रूर करता है, बट कच्ची सड़कों पे और अंडुलेशंस पे ये स्मूथ महसूस होता है। सो डिस्पाइट बीइंग अ बिट स्टिफ, ये आपको ज़्यादा कंप्लेन करने का मौका नहीं देगा, और सिर्फ कभी कभी थोड़ा साइड टू साइड मूवमेंट महसूस होगा। इसका ग्राउंड क्लीयरेंस और जीप ब्रांड के साथ जुड़ी वो ऑफ रोड क्रेड आपको इस गाड़ी को कच्ची सड़कों पर चलाने पे कॉन्फिडेंस भी देगी।
हाईवे पे भी ये गाड़ी मस्त क्रूज करती है और सारे इंडुलेशंस को अच्छे से सोक कर लेती है। इट हैंडल्स वेल एज वेल, इधर बॉडी रोल कंट्रोल रहता है एंड कॉर्नर्स पे हमेशा ही स्टेबल फील करती है। तो इसके साइज के बावजूद आपको इस गाड़ी को पहाड़ों पर चलाने में मज़ा ज़रूर आएगा। इसके 4x4 वर्जन में आपको डिफरेंट ड्राइविंग मोड्स मिल जाते हैं विच इज़ गुड इनफ फॉर सम लाइट ऑफ रोडिंग। कंपस के वर्डिक्ट पे चलने से पहले इसकी कुछ डे टू डे चीज़ों पे नज़र डाल लेते हैं। कंपस के साथ आपको पहली तीन सर्विस, फर्स्ट एट 5,000, सेकंड एट 15,000 एंड थर्ड एट 30,000 किलोमीटर्स पे फ्री ऑफ एनी लेबर चार्ज मिलेगी, बट आपको सेकंड एंड थर्ड सर्विस में पार्ट्स के लिए पैसे देने पड़ेंगे। जीप कंपस 3 साल या 1,00,000 किलोमीटर्स की स्टैंडर्ड वारंटी के साथ आती है विच कैन बी एक्सटेंडेड फॉर अप टू 5 years और 1.5 लाख किलोमीटर्स फॉर एन एडिशनल कॉस्ट। कंपस की जैक एंड स्टेपनी आपको इसके बूट के नीचे मिल जाएगी, बट इसमें एक स्पेस सेवर टायर आता है विच इज ओनली फॉर टेम्प्रेरी यूज। कंपस का रिकमेंडेड टायर प्रेशर इज 37 PSI फॉर द फ्रंट टायर्स एंड 34 PSI फॉर द रियर वंस। डिस्पाइट ऑल द थिंग्स दैट द कंपस डज वेल, इसके प्राइस को जस्टिफाई करना मुश्किल जरूर हो जाता है। द कंपस इन इट्स हायर वेरियंट एंड दिस टॉप स्पेक मॉडल एस वेरियंट इज एक्सपेंसिव, इस बात में कोई दो राय नहीं है, बट उस पैसे के लिए आपको एक सॉलिड बिल्ड क्वालिटी, एक प्रीमियम कैबिन विद ढेर सारे फीचर्स एंड एक बेहतरीन ड्राइव एक्सपीरियंस विद ऑफ रोड कैपेबिलिटीज मिल जाती है। अगर आपके लिए गाड़ी का ज़्यादा बड़ा होना इतना मैटर नहीं करता, एक थोड़ा रिलेटिवली कॉम्प्रोमाइज रियर सीट एक्सपीरियंस एंड स्पेस से आपको इतना फ़र्क नहीं पड़ता और आपको गाड़ी को चलाने का एक्सपीरियंस और उसकी बिल्ड क्वालिटी ज़्यादा मैटर करती है, देन यू कैन कंसिडर द जीप कंपस। एडिशनली आपको ये बैक ऑफ द माइंड में ये अश्योरिटी भी रहेगी कि ये गाड़ी टफर देन यूजुअल ऑफ रोड या खराब रास्तों को टैकल करने की काबिलियत भी रखती है। अगर आपके इस गाड़ी को लेके कुछ सवाल होंगे तो ड्रॉप योर डाउट्स इन द कमेंट्स बिलो एंड हम आपके सवालों का जवाब लेके जरूर आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।